सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल रिचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, काफी टाइम से हम एक चीज का वेट कर रहे थे कि जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अब जिसे डीएड बोला जाता है, ठीक है, उनके एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19 अभी तक नहीं हुए थे, तो इनके प्रमोट को लेके काफी सारी चर्चाएं थी, काफी सारी न्यूज आ रही थी। कभी कहा जा रहा था कि न्यूज़पेपर में कि आपके जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो गए, उनके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सच बताना चाहूंगा जो कि आज की एक नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ है। मैं नहीं मानता कि ये प्रमोट हुआ है, मेरे हिसाब से ये प्रमोट नहीं, पोस्टपोन किए गए हैं आपके एग्जाम। तो पूरी वीडियो में पूरी जानकारी दिखेगा दोस्तों। अगर आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पूरी नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स का धोखा हुआ है। प्रमोट के नाम पे एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि आप प्रमोट कर दिए गए हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद ने आज 1 अक्टूबर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया है, फाइल नंबर दे रखा है इसका, आप देख सकते हैं इसे। क्या नोटिफिकेशन है इसकी, पूरा पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन कंसिडरिंग द अनप्रेसिडेंट सिचुएशन अरोज ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक, द काउंसिल हैज अप्रूव्ड प्रमोटिंग स्टूडेंट्स परसुइंग आरसीएस अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज इन द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। वो बोल रहे हैं कि ड्यू टू कोविड-19 आरसीए ने, जो भी आरसीए के अंडर में कॉलेज है वहां पे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया है। क्या कंडीशंस रखी हैं, कुछ कंडीशंस बताई हैं उन्होंने, वो देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड सिक्योर्ड मिनिमम 75% ऑफ अटेंडेंस अप टू 20th मार्च 2020, 20 मार्च 2020 तक आपके पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। जब तक आपके कॉलेज लगे थे, लगभग मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और कॉलेज स्कूल बंद हो चुके थे, तो 20 मार्च तक आपके पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये एक जरूरी कंडीशन बताई है इन्होंने। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द इंटरनल एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोस्तों, आपके काफी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो चुके थे, कईयों में नहीं हुए थे, और जिनों में हो चुके हैं थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों में आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। थर्ड इन्होंने जो कंडीशन बताई है, जिसको पढ़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रमोट नहीं है, ये पोस्टपोन किया गया है। एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर टू बी कंडक्टेड अलोंग विद सेकेंड ईयर एग्जाम्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों, ये पॉइंट इन्होंने लिख रखा है कि जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ होंगे नेक्स्ट ईयर। तो एक बात बताइए, अगर आपके एग्जाम सेकेंड ईयर के होंगे उस टाइम, अगर आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी होंगे तो आप प्रमोट किस बेस पे हैं? क्या आपको प्रमोट किया गया या एक सिर्फ गुमराह किया गया कि प्रमोट के नाम पे आपको जुमला फेंका गया, गोली दी गई है मीठी कि स्टूडेंट्स हैं कोई चक्कर नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर में 6 की जगह पे 12 पेपर दे देंगे। एक बात बताइए, अगर राजस्थान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटीईटी का पेपर होता है या रीट का पेपर होता है या और भी अदर स्टेट का कोई एचटेट या पीटेट का होता है, उसमें कंडीशन होती थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में अपियरिंग में है, तो आप उन एग्जाम्स को देने के बाद जॉब सिक्योर कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में आपके फर्स्ट ईयर को कुछ पता ही नहीं, फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम होंगे सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ। मान लो मैं आपकी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और 2019 से 21 तक के बैच में मेरा एडमिशन हुआ है, ठीक है, 2019 से 2021 के सेशन में मेरा एडमिशन हुआ है, 2019 में मैं डीएड फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज डीएड फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, और इसके एग्जाम जून जुलाई में जैसे होते हैं होने चाहिए थे, उसका रिजल्ट आता, मान लो मेरे किसी एक पेपर में बैक आ जाती है, तो मैं क्या था सेकेंड ईयर में उस बैक को एग्जाम के साथ दे सकता था और मैं पास हो सकता था। अगर मैं अभी कर रहा हूं और 2021 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल 12 पेपर दे रहा हूं
और मेरी उनमें किसी एक पेपर में बैक हो जाती है, तो मेरा 2 से जगह 3 साल में कोर्स पूरा होगा। तो ये आरसीए ने इतना टाइम लेने के बाद ये नोटिस निकाला है, किस बेस पे निकाला है कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी स्टूडेंट्स इससे परेशान हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था जो आपको डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं कि आपके एग्जाम होंगे। पोस्टपोन बोला जा रहा है, पोस्टपोन बोला नहीं जा रहा लेकिन पोस्टपोन है ये एग्जाम। प्रमोट किए गए थे VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, इन्होंने प्रमोट किया है। तो सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे इनके, फर्स्ट ईयर के एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पर हमारे यहाँ पे RCI, जिसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बोल रही है कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ होंगे या सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ में होंगे। तो ये काफी सही बात नहीं बताई जा सकती, अच्छा नहीं हुआ। अगर आपको एग्जाम लेने चाहिए थे, आप ऑनलाइन मोड में अभी ले जाते ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना होता। अभी रीट के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं है, HP टेट या UP टेट या जो भी स्टेट का टेट होता है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा। आपके फर्स्ट ईयर के पेपर ही 2021 में होंगे, तो आप उनके एग्जाम कैसे देंगे? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। काफी बुरा लगा इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, काफी लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था कि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, वो अपने सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे। अब वो सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे या फर्स्ट ईयर के पेपर पढ़ेंगे, ये सब बातें ऊपर से जा रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।